ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार को हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों की मौजूदगी और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनावरण किया। 108 फीट ऊंची यह प्रतिमा एकात्मता का प्रतीक है। इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। प्रतिमा स्थल के करीब ब्रह्मोत्सव में 50,000 साधु संत जुटे हैं। यहाँ कुछ देर में अद्वैत लोक का शिलान्यास होगा। यह 2026 तक बनकर तैयार होगा। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा 12 साल के आचार्य शंकर की झलक है। इसी उम्र में वे ओमकारेश्वर में वेदांत के प्रचार के लिए निकले थे। प्रतिमा 100 टन वजनी है और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन को मिलाकर बनाई गई है। इसके 290 पैनल निर्माण कंपनी L&T के ने JTQ चाइना से तैयार किया है। सभी 290 हिस्सों को ओमकारेश्वर में लाकर जोड़ा गया है। ओमकारेश्वर पर्वत मांधाता पर्वत भी इसकी 11.5 हेक्टेयर जमीन पर अद्वैत लोक आकार ले रहा है। इसी के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ अद्वैत लोक शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी की जा रही है।